स्टोमक से होते हुए लीवर, इंटेस्टाइन और किडनी तक का सफर करेंगे, है ना, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के अंदर में। और इसी में लगभग हम आप लोगों को वो चीज बताना चाहेंगे जो शायद अभी आप उससे शायद वंचित हो या मिल चुका हो, ठीक है ना, लेकिन हमारा पूरा कोशिश रहेगा हम समझाएंगे। आपने देखा कि आपका जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर शुरू कहां से हुआ, समझ रहे हैं ना, ठीक है। जब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर शुरू होता है, जब डाइजेशन का प्रोसेस गड़बड़ होता है, तो क्या होता है, इसका मतलब कि वहां पे या तो केमिकल फॉर्मेशन जो हो रहा है प्रॉपर वे में नहीं हुआ, या जिस ग्लैंड से जो केमिकल फॉर्मेशन हो रहा है या तो कम हुआ या तो ज्यादा हुआ, कारण यही ना हुआ, जिसके चलते डाइजेशन, जो पार्ट डाइजेशन मींस क्या, पार्ट डाइजेशन, बड़े पार्टिकल्स को छोटे पार्टिकल्स में तोड़, यही ना डाइजेशन है। तो आपने मैकेनिकल डाइजेशन जो किया दांतों से तोड़ा, उसके बाद से केमिकल डाइजेशन जो किया आपने सलाइबा के पास से होते हुए, फिर आपने स्टोमक में आया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया, है कि नहीं, गैस्ट्रिक जूस आया, ये सब डाइजेशन का प्रोसेस हुआ, हुआ ना। तो आप जब समय पर खाना नहीं खाते हैं, पानी नहीं, मेरा आवाज सबको जा रहा है कि नहीं, आ रहा है सर, आ रहा है, हम तो इसलिए माइक की तरफ बोलते हैं, ठीक सर, आपको क्रांति दल के नेता है सर, आवाज तो काफी खूब कर रहा है, अभी देखिए तो थोड़ा सा मेरा तबीयत डिस्टर्ब कर रहा है, जिसके कारण मेरा साउंड नहीं दे पा रहा है, ठीक है, तो कहीं तो मिलता है। तो जब डाइजेशन आपका गड़बड़ हुआ, जब आपने समय पर नाश्ता नहीं किया, समय पर खाना नहीं खाया, है ना, दोपहर का खाना रात में खाया, रात का खाना फिर सुबह दोपहर में खाया, अरे बासी नहीं जो ताजा है पूरा वही, है ना, तो आपका डाइजेशन वहां पे क्या हुआ, गड़बड़ हो गया। जब डाइजेशन गड़बड़ होगा आपका खाना पचेगा नहीं, जब खाना पचेगा नहीं तो स्टोमक से निकल कर फिर वो कहां जाएगा, सेकेंड पार्ट ऑफ दी डिवीजन, वही अनडाइजेस्टेड फूड ना आएगा सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडनम में, तो वो जो आएगा वो किस तरह का काइंड होके आएगा, एसिडिक काइंड होता है ना, होता है ना।